इंडियन रिसर्च सेंटर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के अनुसंधान के बारे में। सबसे नंबर वन पे है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूषा न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल सर्जन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कोयम्बटूर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तंबाकू रिसर्च, जो राम मुंदरी में है। नेशनल सुगर इंस्टीट्यूट, जो कानपुर में है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहीं पर दाल मिल भी है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में पड़ता है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में पड़ता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये बेंगलुरु में पड़ता है। रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेंगलुरु में पड़ता है। नेशनल मेटलोरॉजिकल लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जमशेदपुर में पड़ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अहमदाबाद में पड़ता है, जो गुजरात में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रॉम्बे में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड फोर्स, ये देहरादून में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में पड़ता है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में पड़ता है। सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में पड़ता है। सेंट्रल सॉल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट है NHAI, इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीक्राफ्ट, ये इंस्टीट्यूट देहरादून में पड़ता है। सेंट्रल फॉर इकोलॉजिकल साइंस, ये बेंगलुरु में है। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जलगौड़ा में है। इंडियन वेदर डिपार्टमेंट, पुणे में है, जो मुंबई में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, जो पणजी में पड़ता है। पणजी गोवा में है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।